हेलो साथियों, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल अमित प्यार टेक्निकल में। और आज हम, जैसे कि हमने पहले आपसे बताया था कि हम जो अपनी वेबसाइट है उसमें कुछ इस तरीके से हम लोग सेटअप करेंगे कि हम लोग उसको ऑटोमेशन पे डाल सकें, यानी हमें ऑटोमेशन पे ध्यान देना है। और सिंपल सी बात है कि जब भी हम लोग कोई भी वेबसाइट बनाते हैं वर्डप्रेस पे, तो हमें सबसे बड़ी दिक्कत क्या आती है कि हमें आर्टिकल लिखने में प्रॉब्लम होती है, कि कुछ लोग होते हैं जो आर्टिकल नहीं लिख पाते हैं। तो ये जो टूल है आज, इसके हम लोग हेल्प से ये सारा काम करेंगे, उससे आप लोग बल्क में भी, यानी एक ही साथ में बहुत सारे आप आर्टिकल को क्रिएट कर पाएंगे, इंग्लिश, हिंदी या कोई भी लैंग्वेज में आप लोग कर पाएंगे। साथ ही साथ इसमें एक और भी फीचर्स है जिसमें आपको ये देखने को मिलेगा कि आप किसी भी कंट्री को टारगेट कर सकते हो। तो ये बहुत ही बेहतरीन फीचर्स के साथ ये टूल काम करके देता है, जिसका सेटअप मैं पूरा आपको बताऊँगा और किस तरीके से आप इसका यूज़ कर पाएंगे। और कुछ जो इसके फीचर्स वो फ्री में आपको देखने को मिलते हैं, जो कि काफ़ी ज़्यादा हेल्पफुल हो जाते हैं। साथ ही साथ अगर वो बात करें तो ये पेड भी है, अगर आप इसको खरीदना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगा, वहाँ से इसको परचेज भी कर सकते हो। ठीक है, तो आप लोग इसमें काफ़ी सारी चीज़ें कर सकते हो। जैसे मैं अगर उदाहरण के लिए मैं आपको बता दूँ, तो इस टूल की हम लोग हेल्प से सबसे पहले हम देखेंगे कि बल्क में किस तरीके से हम लोग जनरेट करेंगे बहुत सारे आर्टिकल्स को, और उसके बाद हम लोग सिंगल पोस्ट भी करेंगे, ब्लॉग पोस्ट में हम लोग लिखेंगे। साथ ही साथ हम लोग किसी प्रोडक्ट का रिव्यू किस तरीके से करते हैं, वो भी इस टूल की मदद से हम सब सारी चीज़ें करेंगे, परफॉर्म करेंगे सारे ऑपरेशंस को। तो आप लोग सारी चीज़ें स्टेप बाय स्टेप देखिएगा, और वीडियो अगर आपको पसंद आए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल मत भूलना, और वीडियो को लाइक जरूर करना, अपनी ओपिनियन और अपनी राय देना बिल्कुल मत भूलना, क्योंकि इन्हीं सभी चीज़ों से हम आपके लिए कॉन्टेंट को और भी बेहतर बनाने का प्रयास करते हैं। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की, और जानते हैं कौन सा वो टूल है और किस तरीके से हम लोग इसको करेंगे। चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। तो हम आ गए अपने डैशबोर्ड पर, और ये आपको देखने को यहाँ पे मिल रहा होगा, हमारा पैनल खुला हुआ है यहाँ पर वर्डप्रेस का। तो अगर आप वर्डप्रेस का, अगर आप देखते हैं यहाँ से इस तरीके से पैनल खुला हुआ है, तो अगर आपने होस्टिंग लिया लिया हुआ है तो आप लोग होस्टिंग से भी इसको लॉगिन कर सकते हैं, होस्टिंगर से अगर आपने लिया है। और अगर आप अभी बनाना चाह रहे हैं वेबसाइट, इसमें आपको ऑटोमेशन पे सारी वेबसाइट लगानी है, तो इस तरीके से आप लोग, मैं गाइड करता रहूँगा स्टेप बाय स्टेप। तो वीडियो में बने रहिएगा अंत तक, और हम सारी चीज़ सीखेंगे बाकायदा स्टेप बाय स्टेप, और सारी चीज़ समझाने का मैं प्रयास करूँगा। इस टूल की मदद से मैं आपको सिखाऊंगा कि किस तरीके से आप अपनी ऑटोमेशन पे वेबसाइट लगा सकते हैं, यानी आपको कोई भी पोस्ट करना नहीं पड़ेगा। जिस तरीके से आप चैट जीपीटी का इस्तेमाल करते हैं, चैट जीपीटी आपके लिए सिर्फ एक पोस्ट देता है, लेकिन यहाँ पर क्या है, इस टूल की मदद से आपके पास पोस्ट के साथ साथ आपकी इमेज भी क्रिएट होगी, जो जो भी आपको बनाना नहीं पड़ेगा, और आपके जो H1 और H2 जो हेडिंग्स होती हैं वो भी आपको यहाँ पर ये टूल बना कर देगा। ठीक है, तो सारी चीज़ें, मतलब एक रहता है कि ना, एक SEO फ्रेंडली जो आपका रहता है, पूरा सेम टू सेम वही प्रोसीजर रहेगा कि आपका बिल्कुल SEO फ्रेंडली आपका आर्टिकल लिख के देगा। और सबसे अच्छी बात यह है कि इसमें आपको बल्क जनरेशन का भी एक ऑप्शन मिलता है, जहाँ पर आप एक साथ कई सारे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, और ये सारा ऑटोमेशन पे होगा, आप शेड्यूल कर सकते हो। चलिए स्टार्ट करते हैं, कौन सा है वो सॉफ्टवेयर, सॉफ्टवेयर की मदद से हम लोग चालू करते हैं। तो देखिए, अगर पहली बार चैनल पर आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। ठीक है, तो चालू करते हैं। तो हम लोग सबसे पहले सर्च करेंगे, आपको टाइप करना है SEO writing.ai। ये एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का टूल है, और ये आपको मिल जाएगा SEO writing.ai की वेबसाइट, ऑफिशियल वेबसाइट पे मिलेगा। आप लोग ध्यान दीजिएगा, किसी अदर वेबसाइट पे जाने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यहाँ पर बहुत सारी ऐसी वेबसाइट है जहाँ पर इस टूल को लिस्टेड किया गया है। तो आप लोग ट्रस्टेड वेबसाइट पर जाएंगे, इसकी ऑफिशियल वेबसाइट पर, और हमें क्लिक करेंगे तो यहाँ पर देखिए आपको लोगो देखने को मिलेगा SEO writing.ai का। सिंपल आपको यहाँ पर डैशबोर्ड देखने को मिल जाता है, और यहाँ पर आपको एक बिल्डर देखने को मिल जाता है जो कि बिल्ड करता है। डॉक्यूमेंटेशन आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, एंड इसके साथ साथ अगर आपने सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आपको सब्सक्रिप्शन का आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा साइड में ही। इंटीग्रेशन यहाँ पे मैं आपकी बताऊँगा किस तरीके से आपको करना है, और आपकी प्रोफाइलिंग एंड बिलिंग। तो सबसे पहले मैं आपके इसके फीचर्स के बारे में आपको बता देता हूँ। देखिए, यहाँ पर सिंपल सा एकदम फीचर्स आपको सामने देखने को मिलता है इसका डैशबोर्ड में। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट। वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट का मतलब ये होता है कि आप सिंगल क्लिक में एक ब्लॉग पोस्ट कर सकते हैं। मैं आपको क्लिक करके दिखाता हूँ इसको, मैं तो इसका पूरा ट्यूटोरियल मैं आपको बताने वाला हूँ, तो आप लोग एकदम टेंशन फ्री रहिए। तो यहाँ पर मान लीजिए मैं डाल देता हूँ चंद्रयान 3 या कुछ भी डाल देता, मैंने मान लीजिए मैं यहाँ पर डाल देता हूँ, यहाँ पर मैं कुछ कीवर्ड सर्च कर लेता हूँ, जैसे कि मैं अर्निंग से टॉप AI टूल डाल लेता हूँ, टॉप AI टूल्स, या टॉप कंपनी इन इंडिया, या फिर टॉप टूल्स इन इंडिया, या टॉप AI वेबसाइट डाल देता हूँ। ठीक है,
तो यहाँ से मैं जब क्लिक करूँगा तो मुझे क्या ई वाला जो टैग है, मान लीजिए मैं इसी पर एक आर्टिकल लिखना चाह रहा हूँ, तो इसके लिए मैं क्या करूँगा, वन क्लिक ब्लॉग पोस्ट में क्लिक करूँगा और यहाँ पे मेन अपना जो फोकस जो कीवर्ड है उसको मैं क्या करूँगा यहाँ पे पेस्ट करूँगा। ठीक है, अभी क्या करेगा, ऑटोमेटिक आपका क्या करेगा, यहाँ पर एक टाइटल को जनरेट कर देगा। ठीक है, यहाँ पर एक टाइटल को इसने जनरेट कर दिया, टॉप AI वेबसाइट एक्सप्लोर द बेस्ट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस साइट। तो यहाँ पे एक SEO फ्रेंडली आपका जो टाइटल है वो ऑटोमेटिक यहाँ पर आ चुका है। अब यहाँ पे सिंपल सा आपको क्या करना है, यहाँ पे देखिए अगर आप आर्टिकल का साइज़ अगर आप मीडियम रखते हैं तो यहाँ पे 2400 वर्ड का जाएगा, 2400 3600 वर्ड का जाएगा, तो आप लोग मीडियम रखेंगे तो इतना जाएगा, स्मॉल रखेंगे तो आपका ये 1200 से 2400 में जाएगा। और यहाँ पर आपकी 5 to 8 हेडिंग H2 की आपको देखने को यहाँ पर मिलती है। ठीक है, यहाँ पर अगर आप आएंगे तो सिंपल सा आपको यहाँ देखने को मिलेगा टोन ऑफ वॉइस, अगर आप चाहें तो फ्रेंडली कर सकते हैं, यहाँ पे आप फ्रेंडली कर सकते हैं या प्रोफेशनल कर सकते हैं, तो मैं प्रोफेशनल यहाँ पे करूँगा। और यहाँ पे देखिए पॉइंट ऑफ व्यू, किस पॉइंट ऑफ व्यू से आप करने वाले हैं, तो यहाँ पर आप लोग फर्स्ट पर्सन सेकेंड पर्सन आप दे सकते हो, तो मैं यहाँ पर डन करूँगा। टारगेट कंट्री भी आप यहाँ पर कर सकते हो, यानी इंडिया की अगर आप कर रहे हैं तो इंडिया का यहाँ पर सेलेक्ट कर लेंगे, इसे मान लीजिए मैं सेलेक्ट करता हूँ इंडिया। अब देखिए यहाँ पर इतना सही तरीके से इन्होंने कस्टमाइज़ किया है इसको कि आप बहुत इजीली चीज़ों को समझ पाएंगे। ठीक है, यहाँ पे उसके बाद यहाँ पे देखिए प्लेसमेंट भी, आप इमेज जनरेशन के लिए प्लेसमेंट करना चाहते हैं इमेज, तो आप लोग H1 हेडिंग ओनली या ईच सेक्शन, हर सेक्शन में आप चाहते हैं इमेज, तो यहाँ पे हर सेक्शन में इमेज चाहता हूँ मैं, और हाई क्वालिटी नहीं चाहूँगा मैं चाहूँगा मॉडरेट क्वालिटी होनी चाहिए, यानी थोड़ा सा ऑप्टिमल क्वालिटी होनी चाहिए। ओके, तो यहाँ पर देखिए इमेज स्टाइल आप देख सकते हैं, फोटो चाहिए, कार्टून चाहिए, या फिर आपको साइबर पंखा चाहिए, या फिर आपको ये सिनेमेटिक चाहिए, एब्स्ट्रैक्ट चाहिए, इस तरीके से आप अपना फ़ोटो का चयन कर सकते हैं, यानी इमेज आप सर्च कर सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा इसको सिनेमेटिक करने का कोशिश करता हूँ। ठीक है, तो इस तरीके से आपको यहाँ पर एक पूरा पोस्ट यहाँ पर आ जाएगा। अब यहाँ पे NLP कीवर्ड जनरेशन के लिए अगर आप चाहें तो यहाँ पे भी आप इसको कर सकते हो, बट हमें इसकी करने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पे हमारा स्ट्रक्चर यहाँ पे देखने को मिल जाता है। उसके बाद यहाँ नीचे आप जाएंगे तो डॉक्यूमेंट देखने को मिल जाएगा, होम में आपको डायरेक्टरी भी देखने को मिल जाए, और पब्लिक अगर अभी करना है तो ठीक है, नहीं करना है तो आप नो करेंगे। ठीक है, लैंग्वेज मॉडल पर जाएंगे आप, यहाँ पर देखिए ChatGPT अगर आप चाहते हैं ChatGPT की हेल्प से, तो ये ChatGPT की हेल्प से भी करेगा, बट हमें क्या करना है अभी लैंग्वेज मॉडल पर भी नहीं जाना है। अब OpenAI की API की मांग रहे हैं यहाँ पर, तो अभी इसको कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हम क्या कर रहे हैं, हम इस वेबसाइट यानी SEOWriting.ai का यूज़ कर रहे हैं, ना कि ChatGPT का। तो यहाँ पर आप लोग सिंपल से इसके बाद क्या करेंगे, यहाँ पे रन का हम लोग कमांड देंगे और ये टाइटल हमारा क्या कर देगा, रन कर देगा। तो अभी हम बेसिक चीज़ें सीख रहे हैं, अभी हम पहले इसको आपको बता दें, उसके बाद हमको आपको जनरेट करके भी दिखाएंगे, तो हम उसको चलते हैं बैक, आप लोग ये समझ गए, उसके बाद हम चलते हैं, नेट थोड़ा स्लो है बट इट्स ओके। अब यहाँ पे देखिए बल्क आर्टिकल जनरेशन की हम लोग बात करते हैं यहाँ पर है, तो पावर डेट यहाँ पे देखिए, यहाँ पर लोग क्लिक करते हैं, सिंपल हम लोग क्लिक करते हैं। अब इसका क्या यहाँ पे मोड काम कर रहा है, किस तरीके से करेगा, तो देखिए यहाँ पे इम्पोर्ट कर सकते हैं आप, यहाँ पर यानी जो भी एक्सेल फाइल है आपने यहाँ पे पोस्ट किए हुए हैं तो आप उसको इम्पोर्ट भी कर सकते हैं, या फिर आप टाइटल को जनरेट भी कर सकते हैं। अब यहाँ पे जनरेट टाइटल पे क्लिक करने के लिए सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, मेन कीवर्ड पे आपको देखिए इंटर द मेन कीवर्ड, ठीक है, तो मेन कीवर्ड पे आपको इंटर करना है, यहाँ पे आपको ये टाइटल जनरेट करके देगा, एंड यहाँ पे सारी चीज़ें आपको जनरेट करके देगा। अब मान लीजिए मैं मेन कीवर्ड पे क्लिक करता हूँ, वही सेम कंट्रोल भी करता हूँ, ऐड नाउ करता हूँ इसको, ठीक है, जनरेट करने पे क्लिक करेंगे। अब देखिए मेन कीवर्ड पे जैसे ही करेगा ना, तो यहाँ पे देखिए एक आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिसोर्स यहाँ पे हमें देखने को मिल जाता है। ठीक है, अब यहाँ पे ब्लॉग का टॉपिक हमें क्या रहेगा, तो वही सेम हम लोग फिर से पेस्ट करते हैं, हम डेमो के लिए कर रहे हैं, तो यहाँ पे देखिए अब इसको जनरेट करेंगे तो ये जनरेट करके हमें दे देगा। यहाँ पे देखिए इतने सारे हमें इसने सॉल्यूशन दे दिए, यहाँ पे मेन कीवर्ड हमें इतने सारे दे दिए। अब मान लीजिए टाइटल हमें करना है, टाइटल हम इस तरीके से करेंगे, अब यहाँ पे देखिए टाइटल इसने हमें दे दिया है। ठीक है, तो इस तरीके से हमें करते रहेंगे, टाइटल हमारे सारे टाइटल आते रहेंगे यहाँ पे। ठीक है, इस तरीके से ये सारे हमें टाइटल देता रहेगा। अब ये क्या है, सभी टाइटल हमें बल्क में हमें देता रहता है कि हमें किस तरीके से कौन कौन से टाइटल किस किस पोस्ट में हमें रखना है। ठीक है, तो सारी चीज़ें यहाँ पर ये वेल मैनेज तरीके से हमको दे देता है। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड की हम लोग बात करते हैं, तो कीवर्ड बहुत इंपॉर्टेंट टर्म होता है कीवर्ड। अब यहाँ पे देखिए हमने 12 हमने लिए हैं यहाँ पे, तो ठीक है, तो बल्क में हमें 12 लेना है। अब यहाँ पे देखिए कीवर्ड हम जनरेट करेंगे, तो कीवर्ड सेम सिंपल सा क्या करते हैं, वही हम डालते हैं, एक सिंगल हमारा कीवर्ड डालते हैं, जनरेट करते हैं कीवर्ड को। कीवर्ड हमें इस तरीके से देखिए जनरेट करके दे रहा है, सारे कीवर्ड आपको यहीं पर मिल जाएंगे, और हर आपके ब्लॉग पोस्ट का एक अलग अलग कीवर्ड आपको यहाँ पर देखने को मिलता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप लोग बल्क में कर सकते हैं। अब ये तो हो गया सिंपल सा, हमें एक हमने ये देख लिया कि हम कितने करने वाले, हमने 12 हमने 12 किए हैं, यानी हमने 12 पोस्ट हम करने की सोच रहे हैं, तो हमने बल्क में हमने 12 पोस्ट के लिए हमने रेडी कर लिया इसको।
अब सिंपल हमें क्या करना है कि यहाँ पर इसका कोर सेटिंग करनी है इसकी है। तो यहाँ पर लैंग्वेज सेलेक्ट कर लिया हमने इंग्लिश, अगर आप चाहते हैं तो हिंदी भी कर सकते हैं, आपकी चॉइस है। तो हम इंग्लिश को रहने देंगे। वॉइस आप प्रोफेशनल रखेंगे कि फ्रेंडली, फ्रेंडली रखेंगे तो लोगों को पढ़ने में आसानी होगी। पॉइंट ऑफ व्यू हम लोग इसमें कुछ नहीं रखेंगे, टारगेट कंट्री हम लोग इंडिया कर देंगे इसमें, सेम वैसा ही जैसे हमने पहले देखा था। तो हम इंडिया सेलेक्ट कर लेते हैं, ये हमने इंडिया सेलेक्ट कर लिया। उसके बाद हमने क्या किया, यहाँ पे आर्टिकल का जो मीडियम है वो हमने क्या रखा है, हमने रखा है इसका स्मॉल मीडियम हम रखेंगे। तो हमारा 12 से 2400 वर्ड इनफ होता है, बहुत ज़्यादा होता है। अगर ज़्यादा आपको एसईओ कराना ही है तो आप चाहें तो इसको मीडियम भी या लार्ज भी कर सकते। तो हमारे लिए जो रेड जो लगा हुआ है, ग्रीन यहाँ पे सिग्नल दे रहा है स्मॉल पे, तो हम लोग स्मॉल ही रखेंगे, ज़्यादा बड़ा नहीं रखेंगे। उसके बाद हम नीचे आते हैं, जब तो नीचे आने पे हमें देखिए प्लेसमेंट देखने को मिलता है। तो प्लेसमेंट में हमें क्या करना है, आफ्टर H1 या फिर हमें जो फोटो लेने हैं वो सभी ईच सेक्शन के बाद में लेने हैं। हाई क्वालिटी नहीं लेना है हमें, हाई क्वालिटी के लिए हमें ऑप्टिमल क्वालिटी लेना है, ठीक है। तो ये ऑप्टिमल जो क्वालिटी है वो एकदम परफेक्ट होता है। इसके बाद हमें देखो इमेज की स्टाइल हमें ले लेनी है, फोटो में हमें लेना है इमेज की स्टाइल। तो ये ऑटोमेटिक फोटो हमें ले लेंगे, सभी पोस्ट में अपना फोटो डाल देगा ये, ठीक है। मान लीजिए कंक्लूजन में हमें और टेबल भी डालनी है, हमें H3 भी डालना है, लिस्ट भी हमें डालनी है, सब कुछ हमें FAQ भी डालना है। अगर FAQ अगर आपको डालना है तो आप डाल सकते हो, यहाँ पे ज़रूरी होता है, डाल देंगे अच्छी बात रहेगी। इससे जो सर्चिंग में जो होता है वो काफ़ी ज़्यादा हमारा जो आर्टिकल होता है वो रैंक करता है। कोटेशन भी आप डाल सकते हैं, इटैलिक में आप यहाँ पे करेंगे तो अच्छी बात है। उसके बाद हमें क्या करना है, पब्लिशिंग में नो में करना है। और यहाँ पे देखिए अगर लैंग्वेज मॉडल की बात करें तो यहाँ पर देखिए ChatGPT 3.0 यहाँ पे टर्बो 16 के यहाँ पे आ रहा है, ChatGPT 4। ये किसके लिए है, ये अगर आप ChatGPT की अगर हेल्प करेंगे, हेल्प से अगर लेंगे तो यहाँ पे आपको डेटा ही आपको रीड करके यहाँ पे और यहाँ आपको राइट करके देगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारे पास बल्क जनरेशन में हम लोग इस तरीके से काम करते हैं। मान लीजिए बल्क जनरेशन में आपको इतना नहीं करना है तो आप इसको रिमूव भी कर सकते हो, इस तरीके से आप रिमूव कर सकते हो, ये रिमूव हो जाएगा। और मान लीजिए हमें कीवर्ड हमें दूसरा चाहिए, मान लीजिए हमने पहला दो हमें लिखना है AI से रिलेटेड और हमें इसके बाद हमें लिखना है अर्न मनी, ठीक है, ऑनलाइन अर्निंग। यहाँ पे अर्निंग हमें डालना है, ऑनलाइन अर्निंग। ऑनलाइन अर्निंग यहाँ पे डालेंगे। अब ऑनलाइन अर्निंग डालने के बाद हम क्या करेंगे, सिंपल सा यहाँ पे इसको एड नाउ पे क्लिक करेंगे। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे सिंपल से ऊपर आना है और हमें जनरेशन पे क्लिक करना है इसका। तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हमारा ये क्या करेगा, एक टाइटल जनरेट कर देगा, ठीक है। ये देखिए टाइटल जनरेशन कर दिया है, इसी से जनरेट हम NLP करेंगे। NLP मतलब फोकस, जो हमारा कीवर्ड होगा वो हम लोग क्या करेंगे, इसका कीवर्ड सर्च करेंगे। तो ऑनलाइन अर्निंग से रिलेटेड हमें ये कीवर्ड हमें देखने को मिल गए, ठीक। इसी तरीके से अब हम क्या करेंगे, अगर हम बल्क में जनरेट करना चाह रहे हैं दो, तो हम यहाँ से रन कमांड देंगे और ये हमारा आर्टिकल रन करके दे देगा, ठीक है। मैं अभी करके आपको दिखाऊंगा तो आप इसको टेंशन मत लीजिए। अभी हम इसके फीचर्स को देख रहे हैं, डैशबोर्ड में चलते हैं फिर से। एंड डैशबोर्ड में हमें देखने को मिलेगा ब्लॉग पोस्ट, हमने अभी देखा था क्रिएट डॉक्यूमेंटेशन, स्टेप बाय स्टेप यहाँ पे देखने को मिलेगा। यहाँ पे फीचर्स प्रोडक्ट, ये देखिए प्रोडक्ट आपको यहाँ पे देखने को मिल जाएगा। और इसके बाद आपका प्रोडक्ट रिव्यू आप कर सकते हो यहाँ से, इस डेप्थ आप किसी भी प्रोडक्ट के यहाँ पे रिव्यू कर सकते हो। जैसे मान लीजिए प्रोडक्ट रिव्यू हमें करना है, हमने चलते हैं बैक एंड प्रोडक्ट रिव्यू पे हमें जाना नहीं है, प्रोडक्ट लिस्ट करना है वर्क फ्लो में एंड हाउ टू गाइड। अब देखिए यहाँ पे इतनी सारी चीज़ें इसमें दी गई हैं। अगर आपको अपग्रेड करना है यहाँ पे, क्योंकि आपको लिमिटेड ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो ये जो ऑप्शन है आपको, अगर आपको ज़्यादा ही काम करना है, क्योंकि सारी चीज़ें AI से रिलेटेड हो रही हैं सभी, तो आपको यहाँ पे ज़्यादा से ज़्यादा आपको चीज़ें देखने को मिलेंगी। बल्क जनरेशन आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है आपकी वेबसाइट को रैंक कराने में, क्योंकि आपके आर्टिकल पर डे, आपको काफ़ी सारे आर्टिकल आप पर डे लिख सकते हो और अच्छी क्वालिटी में लिख सकते हो, विद रिलेटेड SEO से रिलेटेड आपके सारे से जितने भी रिक्वायरमेंट होती है वो फुलफिल करता रहता है ये। अब हमें यहाँ पे देखना पड़ेगा, यहाँ पे इसका जो प्लान देखते हैं, अगर इसका जो प्री वाला यूज़ करेंगे तो आपको प्री में बहुत कम एक्सेस देखने को मिलता है, बट यहाँ पे अगर आप इसका एक्सेस चाहते हो तो यहाँ पे आप अपग्रेड नाउ पे क्लिक करोगे और यहाँ पे देखिए ये फ्री वाला वर्जन जो रहेगा इसमें आप 5 आर्टिकल ही जनरेट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप मेरे लिंक से अगर आप परचेज़ करेंगे इसका प्रो वाला वर्जन, तो आपको ये जो $19 में और भी कम पड़ जाएगा ये, क्योंकि इसमें आपको देखने को मिले 50 आर्टिकल आप जनरेट कर पाओगे, ठीक है। यहाँ पे आपको लिमिट काफ़ी ज़्यादा मिल जाती है, 1 क्लिक पे ब्लॉग पोस्ट कर सकते हो, बल्क जनरेशन आप कर सकते हो, AI पावर्ड SEO मोड अपने आप ही सारा SEO होगा, एंड GPT 3.0 से GPT 4 पे आप शिफ्ट कर सकते हो। यानी आपको इसमें सबसे अच्छी बात यह है कि आपको ChatGPT का प्रीमियम वर्जन नहीं लेना है, क्योंकि ये इसमें इनबिल्ट आ रहा है, ठीक है। तो ये आपके लिए काफ़ी ज़्यादा
इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि चैट जीपीटी अगर आप लोग अपग्रेड कराएंगे तो वो भी काफ़ी ज़्यादा महंगा प्लान उसका हो जाता है। लेकिन यहाँ पे आपको चैट जीपीटी 4 का भी मिल रहा है, इनबिल्ट मिल रहा है, तो ये सबसे अच्छी बात है। तो इसमें आपको काफ़ी ज़्यादा फ़ायदा मिल जाएगा और आपको ये इमेज तो जनरेट करके देगा देगा और काफ़ी ज़्यादा अच्छी क्वालिटी में आपका जो ब्लॉग पोस्ट होगा वो भी करके देगा। तो यहाँ पे आपको लिमिट अगर आप बढ़ाएंगे प्रो में, अगर 500 के तक करेंगे तो आपको इसका 59 हो जाएगा एंड 100 के तक करेंगे तो आपको 99 पर मंथ। तो यहाँ पे जो $19 पर मंथ का काफ़ी अच्छा प्लान है, तो आप लोग इसको परचेज कर सकते हो। यहाँ पे आपको टॉप क्वालिटी की AI इमेज मिलेंगी, एक्सपेंडेबल लिमिट मिलेगी आपको और बहुत ज़्यादा ऑप्शन आपको देखने को मिलते हैं अगर प्रो में हम लोग जाते हैं। यहाँ पे तो इनके प्रो में जो वर्जन है, प्रो में काफ़ी सारी चीज़ें देखने को मिलती हैं, इस तरीके से आपको सारी चीज़ें देखने को मिल जाती हैं। तो काफ़ी अच्छा टूल है जो कि मैंने आपको बता ही दिया है पूरा टूल के बारे में, किस तरीके से ये वर्क करता है, किस तरीके से इसका काम है, तो काफ़ी ज़्यादा हेल्प करता है। तो मैं एक इमेज देखिए यहाँ पे इमेज किस तरीके से क्रिएट होगी। तो जैसे रन कमांड हमने बताया था, रन कमांड दबाएंगे तो यहाँ पे देखिए एक पूरा यहाँ पे एक जी यहाँ पे कितने वर्ड इन्होंने लिखे हैं ये शो कर देगा और मेटा टैग भी आपको यहीं पर शो कर जाएगा। आप चाहो तो यूज़ कर सकते हो या ना चाहो तो नहीं कर सकते हो। फिर पब्लिक के क्लिक करेंगे तो आपके ऑटोमेटिक आपके वर्ड प्रेस पे ये पब्लिक हो जाता है। यहाँ पे देखिए एक टाइटल हमें देखने को मिलता है, फिर हमें एक अच्छी सी इमेज मिलती है जो ऑटोमेटिक AI ने जनरेट की है, तो ये कॉपीराइट का कोई इसमें इशू आने वाला है नहीं, ठीक है। यहाँ पे देखिए H1 हेडिंग H2 हेडिंग प्लेस्ड है और सभी जो भी हमारी जो पैराग्राफ है उसके बाद हमें एक इमेज देखने को मिल रहा है और ये भी AI से जनरेट किया गया है। AI से जनरेट होने के बाद में आपको किसी प्रकार कोई कॉपीराइट आपको देखने को नहीं मिलेगा। हाई क्वालिटी इमेज की वजह से आपका जो SEO इतना अच्छा होगा कि आपका जो आर्टिकल वो काफ़ी अच्छे तरीके से रैंक करेगा, तो आर्टिकल का इस तरीके से आपको देखने को मिलेगा। तो ये जो रैंकिंग के पर्पज़ से काफ़ी अच्छा है और आपकी वेबसाइट को जल्दी से बिल्ड कराने में आपकी काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेगा और इसकी वजह से आपका जल्दी वेबसाइट को एडसेंस का अप्रूवल भी मिल सकता है, ठीक है। तो इस तरीके से है, तो काफ़ी सारी चीज़ें इसके अंदर दी हुई हैं। अब देखिए हम बैक करते हैं थोड़ा सा, हम चलते हैं अपने सब्सक्रिप्शन वाले प्लान पे। तो यहाँ पे एक सिंगल सब्सक्रिप्शन है, तो यहाँ पे देखिए प्रो में अगर आप जाएंगे तो अपने अपने अकॉर्डिंग आप लोग चूज़ कर सकते हो। $19 काफ़ी ज़्यादा हुआ नहीं, बहुत कम है, तो आप इजीली आप कर पाओगे। और यहाँ पर हमें क्लिक करके हम चलते हैं अब बैक में और यहाँ पर हम कुछ इसकी कीज़ को देखेंगे किस तरीके से हमें इसको लिंक करना है। तो सबसे पहले हम चलेंगे यहाँ पर अपनी ID पे और यहाँ पे करेंगे इंटीग्रेशन पे क्लिक करेंगे एंड इंटीग्रेशन पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे वर्डप्रेस का यहाँ पे देखिए आपको देखने को मिल जा रहा है एक यहाँ पे ऑप्शन एंड यहाँ पर देखिए कनेक्ट विद न्यू साइट पे क्लिक करेंगे। मान लीजिए हम साइट पे न्यू साइट कनेक्ट करना चाह रहे हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा, इनके प्लगइन्स का वर्जन जो है प्लगइन्स को आपको डाउनलोड करना है, ठीक है। प्लगइन्स को डाउनलोड करने के बाद आपको क्या करना है, अपनी वेबसाइट पर जाना है, यहाँ पर क्लिक हियर डाउनलोड करके क्लिक करेंगे और यहाँ पे आपका प्लगइन्स क्या है यहाँ पे डाउनलोड हो जाएगा, ठीक है। ये आपकी जिप फाइल है और जिप फाइल को हमें किस तरीके से अपने वर्डप्रेस से अटैच करना है वो हम डैशबोर्ड में चलते हैं एंड यहाँ पे हम लोग चलते हैं प्लगइन्स के ऑप्शन पे एंड प्लगइन्स के ऑप्शन पे जाएंगे, न्यू ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे, यहाँ पे ऐड न्यू पे क्लिक करेंगे हम। और जैसे ही ऐड न्यू पे क्लिक करते हैं हम, यहाँ पर ऐड अपलोडिंग का एक ऑप्शन आता है, अपलोड प्लगइन्स, ठीक है। तो यहाँ पर हम जैसे ही यहाँ पे क्लिक करते हैं अपलोड प्लगइन्स के ऑप्शन पे, तो यहाँ पे देखिए चूज़ फाइल का ऑप्शन वाला आ रहा है, यहाँ पे हम क्या करेंगे इसको सिलेक्ट करेंगे और जो हमारा ये WPSEO जो राइटिंग वाला जो हमारा टूल था उसको हम क्या करेंगे ओपन करेंगे। जैसे ओपन करेंगे यहाँ पे इंस्टॉल नाउ का ऑप्शन आ चुका है और आपको यहाँ पे सिंपल सा आपको इंस्टॉल कर लेना है और एक्टिवेट कर लेना है। तो मेरे केस में मैंने इसको एक्टिवेट करके रखा हुआ, मैं आपको दिखा देता हूँ। इंस्टॉलेशन प्लगइन में जाके यहाँ पर आप लोग इंस्टॉल हो जाएगा और ये हमारी साइट यहाँ पे ये देखिए SEO राइटिंग टूल के नाम से हमारा ये टूल्स हमारे वेबसाइट में आ चुका है। तो इसके बाद आपको सिंपल सा कुछ नहीं करना है, आपको इसको क्या करना है सेटिंग में जाना है। सेटिंग में जाने के बाद में जैसे सेटिंग ओपन होगी तो यहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा, यहाँ पे डिस्कनेक्ट दिखाई दे रहा है, यहाँ पे आपको लिखाएगा कनेक्ट। मान लीजिए मैं डिस्कनेक्ट करता हूँ इसको एक बार, अब यहाँ पे कनेक्ट दिखाएगा तो मैं कनेक्शन इसका देता हूँ, मैं कनेक्ट करता हूँ और ये सक्सेसफुली कनेक्ट हो जाएगा। अभी देखिए ये सक्सेसफुली हमारा कनेक्ट हो चुका है और यहाँ पे लिख दिया है कनेक्ट न्यू साइट, यानी आप दूसरी साइट में भी कनेक्ट कर सकते हो। तो हमारी एक वेबसाइट है यहाँ पे एक कनेक्ट हो चुका है https://hindudunia.co.in, आप लोग इस पर विजिट भी कर सकते हो। अगर आपको चैट GPT अगर आपको करना है इसमें कनेक्ट, आप चाहते चैट GPT की हेल्प से हो, तो आप सिंपल से यहाँ पे चैट GPT का ओपन AI का जो की है API की यहाँ पे आप यूज़ कर सकते हो और चैट GPT को भी आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। तो अभी के लिए हम ये नहीं करेंगे क्योंकि हम वर्डप्रेस का यूज़ कर रहे हैं और हम वर्डप्रेस पे इस टूल की मदद से हम पोस्ट अभी कर रहे हैं, ठीक है। तो मान लीजिए हमने अभी पोस्ट एक जनरेट किया था, उस पोस्ट में आपको दिखा देता हूँ जो हमारी पोस्ट क्रिएट हुई है। सिंपल से हम नीचे चलते हैं और यहाँ पे देखिए हम एडिटर में जाते हैं, एडिटर में हम रिव्यू करेंगे यहाँ पे इस पोस्ट को जो हमने पोस्ट तैयार की है।
इस पोस्ट में हमने देख आपको मैंने आपको पहले बोला था, यहाँ पे देखिए वर्ड का काउंट दिखा जा रहा है यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए कॉपी कर रहा है, आप चाहो तो उसको एक्सेल में कॉपी कर सकते हो। और ये जो आपको इमेज दिख रही है ऑटोमेटिक जनरेट हुई है AI की हेल्प से, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस वाला इसको ही इसने क्रिएट किया है, और ये कॉपीराइट फ्री है। ठीक है, इस तरीके से यहाँ पे देखिए मेन कीवर्ड आपको दिख रहा है, यहाँ पे इसके फोकस कीवर्ड आपको इसने दे दिया है, फिर आपकी हेडिंग दे दी है, उसके बाद फिर H1 और H2 हेडिंग यहाँ पे आपको शो कर रही है, और इसके बाद इसने प्रमुख जो चरण इसके हैं वो भी इसने बता दिए हैं, उसके बाद आपके चंदन की उपलब्धियाँ इसने बताई हैं। और ये हिंदी में पूरा मैंने इसलिए किया है ताकि हिंदी में आप भी समझ पाएँ कि कितना यूज़र फ्रेंडली है ये। उपलब्धियाँ और प्राप्तियाँ भी यहाँ पे दिखा दी हैं इसने, निष्कर्ष भी आपको यानी कंक्लूजन भी आपको यहाँ पे दिखाता है ये, उसके बाद FAQ के जो क्वेश्चन हैं जो पुटअप होते हैं या पुटअप हो सकते हैं वो भी आपको यहाँ पे दिखा रहा है। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे ऑटोमेटिक हो रही हैं। उसके बाद आप लोग पब्लिक यहाँ पे क्लिक करेंगे, पब्लिश पे, तो मान लीजिए मैं पब्लिक पे क्लिक करता हूँ यहाँ से, तो पब्लिक पे क्लिक करूँगा तो हमें देखिए यहाँ पे कैटेगरी दिखा रहा है किस कैटेगरी में आप करना चाह रहे हो, तो मैं न्यूज़ में करूँगा। टैग का जो टाइटल होगा वो इस तरीके से आप अपना जो टैग्स हैं वो हम टैग्स डाल देंगे, और उसके बाद हमें पोस्ट स्टेटस देखना है, मान लीजिए इसको नो करते हैं या ड्राफ्ट करते हैं, ड्राफ्ट में हो जाएगा ये। और URL का जो लाइक URL किस तरीके से करता है, तो हमें क्या करना है इसमें जो हमारा मेन कीवर्ड है उसी पे हम लोग करेंगे। या आप URL का अपना जो भी टाइटल वो भी डाल सकते हो, तो टाइटल URL में कौन सा रहेगा वो टाइटल रहेगा, तो वो टाइटल ही कर सकते हैं। ठीक है, इसके बाद हमें क्या करना है, सिंपल सा इसमें पब्लिक पे क्लिक करेंगे तो ये पब्लिक हो जाएगा, इतना सिंपल है बिल्कुल। तो कैसा लगा वीडियो आपको कमेंट बॉक्स में बताइएगा, और कोई भी अगर आपका डाउट हो तो आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा, क्योंकि ये जो टूल है वो काफ़ी एडवांस टूल है, नॉर्मल टूल आप इसको बिल्कुल मत समझिएगा, क्योंकि एडवांस होने की वजह से इस टूल की डिमांड काफ़ी ज़्यादा है। और अगर आप एक एफिलिएट वेबसाइट बनाना चाह रहे हैं, इसमें आप प्रोडक्ट का रिव्यू ऑटोमेटिक करवाना चाह रहे हैं, तो ये टूल आपकी बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है।